हेलो दोस्तों, वेलकम टू इजी लर्निंग ट्री जूनियर। आज के हिंदी पॉडकास्ट सीरीज में हम लेकर आए हैं भीष्म साहनी की कालजयी कहानी चीफ की दावत। आज मिस्टर सामनाथ के घर चीफ की दावत थी। सामनाथ और उनकी धर्मपत्नी को पसीना पोंछने की फुर्सत न थी। पत्नी ड्रेसिंग गाउन पहने, उलझे हुए बालों का जूरा बनाए, मुंह पर फैली हुई सुर्खी और पाउडर को मले, और मिस्टर सामनाथ सिगरेट पर सिगरेट फूंकते हुए चीज़ों की फेरिस्त हाथ में थामे एक कमरे से दूसरे कमरे में आ जा रहे थे। आखिर 5 बजते तैयारी मुकम्मल होने लगी। कुर्सियाँ, मेज, तिपाइयाँ, नैपकिन, फूल सब बरामदे में पहुँच गए। ड्रिंक का इंतजाम बैठक में कर दिया गया। अब घर का फालतू सामान अलमारियों के पीछे और पलंगों के नीचे छिपाया जाने लगा। तभी सामनाथ के सामने सहसा एक अड़चन खड़ी हो गई। माँ, माँ का क्या होगा? इस बात की ओर ना उनका ना उनकी कुशल गृहिणी का ध्यान गया था। मिस्टर सामनाथ श्रीमती की ओर घूमकर अंग्रेजी में बोले, माँ का क्या होगा? श्रीमती काम करते करते ठहर गई और थोड़ी देर सोचने के बाद बोली, इन्हें पिछवाड़े इनकी सहेली के घर भेज दो, रात भर बेशक वहीं रहें, कल आ जाएं। सामनाथ सिगरेट मुंह में रखे सिकुड़ी आंखों से श्रीमती के चेहरे की ओर देखते हुए पलभर सोचते रहे। फिर सिर हिलाकर बोले, नहीं, मैं नहीं चाहता कि उस बुढ़िया का आना जाना यहाँ फिर से शुरू हो। पहले ही बड़ी मुश्किल से बंद किया था। माँ से कहें कि जल्दी ही खाना खा के शाम को ही अपनी कोठरी में चली जाए। मेहमान कहीं 8 बजे आएंगे, इसे पहले ही अपने काम से निबट ले। सुझाव ठीक था, दोनों को पसंद आया। मगर फिर सहसा श्रीमती बोल उठी, अरे जो वह सो गई और नींद में खराटे लेने लगी, तो साथ ही तो बरामदा है जहाँ लोग खाना खाएंगे, तो इन्हें कह देंगे कि अंदर से दरवाज़ा बंद कर ले, मैं बाहर से ताला लगा दूंगा। या माँ को कह देता हूँ कि अंदर जाकर सोए नहीं, बैठी रहे, और क्या। और जो सो गई तो डिनर का क्या मालूम कब तक चले, 11-11 बजे तक तो तुम ड्रिंक ही करते रहते हो। सामनाथ कुछ खींच उठे, हाथ झटकते हुए बोले, अच्छी भली है भाई के पास जा रही थी, तुमने यूं ही खुद अच्छा बनने के लिए बीच में टांग अड़ा दी। वाह, तुम माँ और बेटों की बातों में मैं क्यों बुरी बनूँ, तुम जानो और वह जाने। मिस्टर सामनाथ चुप रहे, ये मौका बहस का ना था, समस्या का हल ढूंढने का था। उन्होंने घूमकर माँ की कोठरी की ओर देखा। कोठरी का दरवाज़ा बरामदे में खुलता था। बरामदे की ओर देखते हुए झट से बोले, मैंने सोच लिया है, और माँ की कोठरी के बाहर जा खड़े हुए। माँ दीवार के साथ एक चौकी पर बैठे दुपट्टे में मुँह सिर लपेटे माला जाप रही थी। सुबह से तैयारी होती देखते हुए माँ का दिल भी धड़क रहा था। बेटे के दफ्तर का बड़ा साहब घर पर आ रहा है, सारा काम सुबहते से चल जाए। मिस्टर सामनाथ ने कहा, माँ आज तुम खाना जल्दी खा लेना, मेहमान लोग 7:30 बजे आ जाएंगे। माँ ने धीरे से मुँह पर से दुपट्टा हटाया और बेटे को देखते हुए कहा, आज मुझे खाना नहीं खाना है बेटा, तुम तो जानते हो मांस मछली बने तो मैं कुछ नहीं खाती। सामनाथ बोले, जैसे भी हो अपने काम से जल्दी निपट लेना। माँ, अच्छा बेटा, और माँ हम लोग पहले बैठक में बैठेंगे, उतनी देर तुम यहाँ बरामदे में बैठना, फिर जब हम यहाँ आ जाएं तो तुम गुसल खाने के रास्ते बैठक में चले जाना। माँ अवाक बेटे का चेहरा देखने लगी, फिर धीरे से बोली, अच्छा बेटा, और माँ आज जल्दी सो नहीं जाना, तुम्हारे खराटे की आवाज़ दूर तक जाती है। माँ लज्जित सी आवाज़ में बोली, क्या करूँ बेटा, मेरे बस की बात नहीं है, जब से बीमारी से उठी हूँ नाक से सांस नहीं ले सकती। मिस्टर सामनाथ ने इंतजाम तक कर दिया, फिर भी उनकी उधर गुण खत्म नहीं हुई। जो चीफ अचानक उधर
आ निकला तो 8-10 मेहमान होंगे, देसी अफसर, उनकी स्त्रियां होंगी, कोई भी गुसलखाने की तरफ जा सकता है। क्षोभ और क्रोध में वह झुंझलाने लगे। एक कुर्सी को उठाकर बरामदे में कोठरी के बाहर रखते हुए बोले, आओ माँ, इस पर जरा बैठो तो। माँ माला संभालती, पल्ला ठीक करती उठी और धीरे से कुर्सी पर आकर बैठ गई। यूं नहीं माँ, टांगे ऊपर चढ़ाकर नहीं बैठते, यह खाट नहीं है। माँ ने टांगे नीचे उतार ली। सामनाथ बोले, और खुद के वास्ते नंगे पांव नहीं घूमना, ना ही वो खराव पहनकर सामने आना। किसी दिन तुम्हारी यह खराव उठाकर मैं बाहर फेंक दूंगा। माँ चुप रही। सामनाथ ने पूछा, कपड़े कौन सी पहनोगी माँ? माँ बोली, जो है वही पहनूंगी बेटा, जो कहो पहन लूँ। मिस्टर सामनाथ सिगरेट मुंह में रखे फिर अधखुली आंखों से माँ की ओर देखने लगे और माँ के कपड़ों की सोचने लगे। सामनाथ हर बात में तरतीब चाहते थे। घर का सब संचालन उनके अपने हाथों में था। खुटिया कमरों में कहाँ लगाई जाए, बिस्तर कहाँ पर बिछे, किस रंग के पर्दे लगाए जाएं, श्रीमती कौन सी साड़ी पहने, मेज किस साइज की हो। सामनाथ को चिंता थी कि अगर चीफ का साक्षात माँ से हो गया तो कहीं लज्जित नहीं होना पड़े। माँ को सिर से पांव तक देखते हुए बोले, तुम सफ़ेद कमीज और सफ़ेद सलवार पहन लो माँ, पहन के आओ तो जरा देखो। माँ धीरे से उठी और अपनी कोठरी में कपड़े पहनने चली गई। ये माँ का झमेला ही रहेगा। उन्होंने फिर अंग्रेजी में अपनी स्त्री से कहा, कोई ढंग की बात हो तो भी कोई कहे, अगर कहीं कोई उल्टी सीधी बात हो गई चीफ को बुरा लगा तो सारा मजा जाता रहेगा। माँ सफ़ेद कमीज और सफ़ेद सलवार पहनकर बाहर निकली। छोटा सा कद, सफ़ेद कपड़ों में लिपटा छोटा सा सूखा हुआ शरीर, धुंधली आंखें, केवल सिर के आधे झरे हुए बाल पल्ले की ओट में छिप पाए थे, पहले से कुछ ही कम कुरूप नज़र आ रही थी। चलो ठीक है, कोई चुड़िया वड़िया हो तो वो भी पहन लेना, कोई हर्ज नहीं, सामनाथ ने कहा। चुड़िया कहाँ से लाऊं बेटा, तुम तो जानते हो सब जेवर तुम्हारी पढ़ाई में बिक गए, माँ ने कहा। यह वाक्य सामनाथ को तीर की तरह लगा। तिनक कर बोले, यह कौन सा राग छेड़ दिया, सीधा कह दो नहीं है जेवर, बस इसे पढ़ाई वढ़ाई का क्या ताल्लुक है, जो जेवर बिका तो कुछ बनकर ही आया हूँ। नीरा लडूरा तो नहीं लौटाया, जितना दिया था उससे दुगना ले लेना। मेरी जीभ जल जाए बेटा जो तुमसे जेवर लूंगी, मेरे मुंह से यूं निकल आया, जो होते तो लाख बार पहनती, माँ ने कहा। 5:30 बज चुके थे। अभी मिस्टर सामनाथ को खुद भी नहा धोकर तैयार होना था। श्रीमती कब की अपने कमरे में जा चुकी थी। सामनाथ जाते हुए एक बार फिर माँ को हिदायत करते गए, माँ रोज की तरह गुमसुम बन के नहीं बैठी रहना, अगर साहब इधर आ निकले और कोई बात पूछे तो ठीक तरह से बात का जवाब देना। मैं ना पढ़ी ना लिखी बेटा, मैं क्या बात करूँगी, तुम कह देना मान पढ़े, कोई जानती समझती नहीं, वो नहीं पूछेगा। 7 बजते बजते माँ का दिल धक धक करने लगा। अगर चीफ सामने आ गया और उसने कुछ पूछा तो क्या जवाब देगी। अंग्रेज को तो दूर से ही देखकर घबरा उठती थी, ये तो अमेरिकी है, ना मालूम क्या पूछे, मैं क्या कहूँगी। माँ का जी चाहा कि चुपचाप पिछवाड़े विधवा सहेली के घर चली जाए, मगर बेटे के हुक्म को कैसे टाल सकती थी। चुपचाप कुर्सी पर से टांग लटकाए वहीं बैठी रही। एक कामयाब पार्टी वह है जिसमें ड्रिंक कामयाबी से चल जाए। सामनाथ की पार्टी सफलता के शिखर चूमने लगी। वार्तालाप उसी रोह में भर रहा था जिस रोह में गिलास भरे जा रहे थे। कहीं कोई रुकावट ना थी, कोई अड़चन ना थी। साहब को विस्की पसंद आई थी, मैम साहब को पर्दे पसंद आए थे, सोफ़ा कवर का डिजाइन पसंद आया था, कमरे की सजावट पसंद आई थी। इसको बढ़कर क्या चाहिए, साहब तो ड्रिंक के दूसरे दौर में ही चुटकुले और कहानियाँ कहने लग गए थे। दफ्तर में जितना रोब रखते थे यहाँ पर उतने ही दोस्त परवर हो रहे थे। और उनकी स्त्री काला गाउन पहने, गले में सफ़ेद मोतियों का हार, सेंट और पाउडर की महक से ओत प्रोत, कमरे में बैठी सभी देसी स्त्रियों की
आराधना का केंद्र बनी हुई थी। बात बात पर हंसती, बात बात पर सिर हिलाती और सामनाथ की स्त्री से तो ऐसे बातें कर रही थी जैसे उसकी पुरानी सहेली हो। और इसी रो में पीते पिलाते 10:30 बज गए, वक्त गुजरते पता ही न चला। आखिर सब लोग अपने अपने गिलासों में से आखिरी घूंट पीकर खाना खाने के लिए उठे और बैठक से बाहर निकले। आगे आगे सामनाथ रास्ता दिखाते हुए और पीछे चीफ और दूसरे मेहमान। बरामदे में पहुंचते ही सामनाथ सहसा ठिठक गए। जो दृश्य उन्होंने देखा उससे उनकी टांगें लड़खड़ा गईं और क्षण भर में सारा नशा हिरन होने लगा। बरामदे में इन कोठरी के बाहर माँ अपनी कुर्सी पर जो कि तो बैठी ही थी मगर दोनों पांव कुर्सी की सीट पर रखे हुए और सिर दाएं से बाएं और बाएं से दाएं झूल रहा था और मुँह में से लगातार गहरे खराटे की आवाज़ आ रही थी। जब सिर कुछ देर के लिए टेढ़ा होकर एक तरफ को थम जाता तो खराटे और भी गहरे हो जाते हैं और फिर जब झटके से नींद टूटती तो सिर फिर दाएं से बाएं झूलने लगता। पल्ला सिर पर से खिसक आया था और माँ के झरे हुए बाल आधे गंजे सिर पर अस्त व्यस्त बिखर रहे थे। देखते ही सामनाथ क्रुद्ध हो उठे, जी चाहा कि माँ को धक्का देकर उठा दे और उन्हें कोठरी में धकेल दे मगर ऐसा करना संभव न था। चीफ और बाकी मेहमान पास खड़े थे। माँ को देखते ही देसी अफसरों की कुछ स्त्रियाँ हंस दी। इतने में चीफ ने धीरे से कहा, पुअर डियर। माँ हड़बड़ाकर उठ बैठी। सामने खड़े इतने लोगों को देखकर ऐसी घबराई कि कुछ कहते ना बना। झट से पल्ला सिर पर रखते हुए खड़ी हो गई और जमीन को देखने लगी। उनके पांव लड़खड़ाने लगे और हाथों की उंगलियां थर थर कांपने लगी। माँ तुम जाके सो जाओ, तुम क्यों इतनी देर तक जाग रही थी? और खिसियाई हुई नज़रों से सामनाथ चीफ के मुंह की ओर देखने लगे। चीफ के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, वहीं खड़े खड़े बोले, नमस्ते। माँ ने झिझकते हुए अपने में सिमटते हुए दोनों हाथ जोड़े मगर एक हाथ दुपट्टे के अंदर माला को पकड़े हुए था, दूसरा बाहर, ठीक तरह से नमस्ते भी ना कर पाई। सामनाथ इस पर भी खिन्न हो उठे। इतने में चीफ ने अपना दाया हाथ हाथ मिलाने के लिए माँ के आगे किया। माँ और भी घबरा उठी। माँ हाथ मिलाओ, सामनाथ ने कहा, पर हाथ कैसे मिलाती? दाएं हाथ में तो माला थी। घबराहट में माँ ने बायां हाथ ही साहब के दाएं हाथ में रख दिया। सामनाथ दिल ही में जल उठे थे। देसी अफसरों की स्त्रियाँ खिलखिलाकर हंस पड़ी, यूं नहीं माँ, तुम तो जानती हो दाया हाथ मिलाया जाता है, दाया हाथ मिलाओ, सामनाथ ने कहा। मगर तब तक चीफ माँ का बायां हाथ को बार बार हिलाकर कह रहे थे, हाउ डू यू डू। कहो माँ, मैं ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। माँ कुछ बड़बड़ाई। माँ कहती है, मैं ठीक हूँ, कहो माँ, हाउ डू यू डू, सामनाथ ने कहा। माँ धीरे से सकुचाते हुए बोली, हाउ डू डू, एक बार फिर कह कहा उठा। वातावरण हल्का होने लगा। साहब ने स्थिति संभाल ली थी, लोग हंसने चहकने लगे थे। सामनाथ के मन का क्षोभ भी कुछ कुछ कम होने लगा था। साहब अपने हाथ में माँ का हाथ अभी पकड़े हुए थे और माँ सिकुड़ी जा रही थी। साहब के मुंह से शराब की बू आ रही थी। सामनाथ अंग्रेजी में बोले, मेरे माँ गांव की रहने वाली है, उम्र भर गांव में रही है, इसलिए आपसे ला जाती है। साहब इस पर खुश नजर आए, बोले, सच, मुझे गांव के लोग बहुत पसंद हैं, तब तो तुम्हारी माँ गांव के गीत और नाच भी जानती होगी। चीफ खुशी से सिर हिलाते हुए माँ को टकटकी बांधे देखने लगे। सामनाथ तो बोले, माँ साहब कहते हैं कोई गाना सुनाओ, कोई पुराना गीत, तुम्हें तो कितने ही याद होंगे। माँ धीरे से बोली, मैं क्या गाऊंगी बेटा, मैंने कब गाया है। वाह माँ, मेहमान का कहा भी कोई टालता है? साहब ने इतने रीस से कहा है, नहीं गाओगी तो साहब बुरा मानेंगे। माँ बोली, मैं क्या गाऊं बेटा, मुझे क्या आता है। सामनाथ बोले, वाह कोई बढ़िया टप्पे सुना दो, दो पत्थर अनारादा।
देसी अफसर और स्त्रियों ने इस सुझाव पर तालियां पीटी। माँ कभी दीन दृष्टि से बेटे के चेहरे को देखती, कभी पास खड़ी बहू के चेहरे को। इतने में बेटे ने गंभीर आदेश भरे लहजे में कहा, माँ। इसके बाद हाँ या ना सवाल ही न उठता था। माँ बैठ गई और छीन दुर्बल लरजती आवाज में एक पुराना विवाह का गीत गाने लगी। हरियाणा माए हरियाणे बहने हरियाते भागी भरिया है। देसी स्त्रियाँ खिलखिला के हंस उठी। तीन पंक्तियाँ गा के माँ चुप हो गई। बरामदा तालियों से गुज उठा। साहब तालियाँ पिटना बंद ही न करते थे। सामनाथ की खीज प्रसन्नता और गर्व में बदल गई थी। माँ ने पार्टी में नया रंग भर दिया था। तालियां थमने पर साहब बोले, पंजाब के गांवों की दस्तकारी क्या है? सामनाथ खुशी में झूम रहे थे। बोले, ओ बहुत कुछ साहब, मैं आपको एक सेट उन चीज़ों का भेंट करूंगा, आप उन्हें देखकर खुश होंगे। मगर साहब ने सिर हिलाकर अंग्रेजी में फिर पूछा, नहीं मैं दुकानों की चीज़ नहीं मांगता। पंजाबियों के घरों में क्या बनता है? औरतें खुद क्या बनाती हैं? सामनाथ कुछ सोचते हुए बोले, लड़कियाँ गुड़िया बनाती है और फुलकारियाँ बनाती है। फुलकारियाँ क्या? साहब ने पूछा। सामनाथ फुलकारी का मतलब समझाने की असफल चेष्टा करने के बाद माँ को बोले, क्यों माँ कोई पुरानी फुलकारी घर में है? माँ चुपचाप अंदर गई और अपनी फुलकारी उठा लाई। साहब बड़ी रुचि से फुलकारी देखने लगे। पुरानी फुलकारी थी, जगह जगह से उसके तागे टूट रहे थे और कपड़ा फटने लगा था। साहब की रुचि को देखकर सामनाथ बोले, यह फटी हुई है साहब, आपको नई बनवा दूंगा, माँ बना देगी। क्यों माँ, साहब को फुलकारी बहुत पसंद है, इन ऐसी ही फुलकारी बना दोगी ना? माँ चुप रही, फिर डरते डरते धीरे से बोली, अब मेरी नज़र कहाँ है बेटा, बूढ़ी आँखें क्या देखेगी। मगर माँ का वाक बीच में ही तोड़ते हुए सामनाथ साहब को बोले, वो जरूर बना देगी, आप उसे देखकर खुश होंगे। साहब ने सिर हिलाया, धन्यवाद किया और हल्के हल्के झूमते हुए खाने की मेज की ओर बढ़ गए। बाकी मेहमान भी उनके पीछे पीछे हो लिए। जब मेहमान बैठ गए और माँ पर से सबकी आंखें हट गई तो माँ धीरे से कुर्सी पर से उठी और सबसे नजरें बचाती हुई अपनी कोठरी में चली गई। मगर कोठरी में बैठने की देर थी कि आंखों में छल छल आंसू बहने लगे। वो दुपट्टे से बार बार उन्हें पोंछती पर वह बार बार उमर जाते हैं, जैसे बरसों का बांध तोड़कर उमर आए हों। माँ ने बहुत तेरा दिल को समझाया, हाथ जोड़े भगवान का नाम लिया, बेटे के चिराई होने की प्रार्थना की, बार बार आंखें बंद की, मगर आंसू बरसात के पानी की तरह जैसे थमने में ही ना आते थे। आधी रात का वक्त होगा, मेहमान खाना खाकर एक एक करके जा चुके थे। माँ दीवार से सटकर बैठी आंखें फाड़े दीवार को देखे जा रही थी। घर का वातावरण में तनाव ढीला पड़ चुका था। मोहल्ले की नी अस्तब्धता सामनाथ के घर में भी छा चुकी थी। केवल रसोई में प्लेटों के खनकने की आवाज़ आ रही थी। तभी सहसा माँ की कोठरी का दरवाज़ा जोर से खटकने लगा। माँ दरवाज़ा खोलो। माँ का दिल बैठ गया, हड़बड़ा कर उठ बैठी, क्या मुझसे फिर कोई भूल हो गई? माँ कितनी देर से अपने आप को कोस रही थी कि क्यों उन्हें नींद आ गई, क्यों उन्हें लगी, क्या बेटे ने अभी तक क्षमा नहीं किया। माँ उठी और कांपती हाथों से दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खुलते ही सामनाथ झूमते हुए आगे बढ़े और माँ को आलिंगन में भर लिया। ओ अम्मी, तुमने तो आज रंग ला दिया, साहब तुमसे इतना खुश हुए कि क्या कहूँ, ओ अम्मी। माँ की छोटी सी काया सिमट कर बेटे के आलिंगन में छिप गई। माँ की आंखों में फिर आंसू आ गए। उन्हें पोछती हुई धीरे से बोली, बेटा तुम मुझे हरिद्वार भेज दो, मैं कब से कह रही हूँ। सामनाथ का जुमना सहसा बंद हो गया।
और उनकी पेशानी पर फिर तनाव के बल पड़ने लगे। उनकी बाहें माँ के शरीर पर से हटाई। क्या कहा माँ, यह कौन सा राग तुमने फिर छेड़ दिया? सामनाथ का क्रोध बढ़ने लगा था। बोलते गए, तू मुझे बदनाम करना चाहती हो ताकि दुनिया कहे कि बेटा माँ को अपने पास नहीं रख सकता। नहीं बेटा, अब तुम अपनी बहू के साथ जैसा मन चाहे रहो। मैंने अपना खा पहन लिया, अब यहाँ क्या करूँगी? जो थोड़े दिन जिंदगानी के बाकी हैं, भगवान का नाम लूँगी। तुम मुझे हरिद्वार भेज दो। तुम चली जाओगी तो फुलकारी कौन बनाएगा? साहब से तुम्हारे सामने ही फुलकारी देने का इकरार किया है। मेरी आंखें अब नहीं है बेटा जो फुलकारी बना सकूँ। तुम कहीं और से बनवा लो, बनी बनाई ले लो। माँ, तुम मुझे धोखा दे के यूँ चली जाओगी? मेरा बनता काम बिगाड़ोगी। जानती नहीं, साहब खुश होगा तो मुझे तरक्की मिलेगी। माँ चुप हो गई, फिर बेटे की मुंह की ओर देखती हुई बोली, क्या तेरी तरक्की होगी? क्या साहब तेरी तरक्की कर देगा? क्या उसने कुछ कहा है? कहा नहीं, मगर देखती नहीं कितना खुश होकर गया है। कहता था, जब तेरी माँ फुलकारी बनाना शुरू करेगी तो मैं देखने आऊँगा कि कैसे बनाती है। जो साहब खुश हो गया तो मुझे इससे बड़ी नौकरी भी मिल सकती है, मैं बड़ा अफसर बन सकता हूँ। माँ के चेहरे का रंग बदलने लगा, धीरे धीरे उनका झुरियो भरा मुँह खिलने लगा, आंखों में हल्की हल्की चमक आने लगी। तो तेरी तरक्की होगी बेटा? माँ ने पूछा। तरक्की यूं ही हो जाएगी? साहब को खुश रखूँगा तो कुछ करेगा, वरना उसे खिदमत करने वाले और भी हैं। माँ बोली, तो मैं बना दूँगी बेटा, जैसा बन पड़ेगा बना दूँगी। और माँ दिल ही दिल में फिर बेटे के उज्ज्वल भविष्य की कामनाएं करने लगी। और मिस्टर सामनाथ, अब सो जाओ माँ, कहते हुए तनिक लड़खड़ाते हुए अपने कमरे की ओर घूम गए। हिंदी पॉडकास्ट के नए अंक में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए एवं हमारा उत्साहवर्धन करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही कमेंट, लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।